ये खून ही है मेरा ब्रांड। 2015 ये वही साल था जिससे पहले बॉलीवुड टॉलीवुड या जितने भी इंडियन सिनेमा थे सभी में मूवीज आती थी कमाती थी और बात खत्म। पर साल 2015 एक ऐसा दिलेर डायरेक्टर आता है जो अपनी काल्पनिक कहानी को एक नहीं बल्कि दो पार्ट्स में रिलीज करने की अनाउंसमेंट करता है। वो दिलेर डायरेक्टर थे सर SS राजामौली और कहानी थी अमरेंद्र बाहुबली की। इनकी शुरुआत के बाद कई डायरेक्टर्स ने ऐसा किया जिनमें से सबसे फेमस है प्रशांत नील और उनकी KGF चैप्टर 1 और 2। इनके बाद भी साल 2023 तक कई मूवीज ऐसी आई हैं जिनकी कहानी एक नहीं बल्कि दो पार्ट्स में कंप्लीट की जाएगी। इस वीडियो में हम मूवीज के ऐसे ही सीक्वल की बात करेंगे जो इसी साल यानी 2024 में आपके सामने होंगे। तो बिना समय को हानि पहुंचाते हुए आओ यार और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षपाती के। नंबर 10 इंडियन 2। साल 1996 में कमल हसन सर की एक फिल्म आई थी इंडियन, जिसमें एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर ने ठाना था करप्ट लोगों को सबक सिखाने का। 3.5 करोड़ के छोटे से बजट और एस शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ की कमाई की थी जो उस समय के हिसाब से बहुत है। विक्रम में अपना जबरदस्त भौकाल मचाने के बाद एक बार फिर कमल हसन सर हमारे सामने आ रहे हैं अपनी इंडियन 2 जो कि उस इंडियन का सीक्वल है। इसे डायरेक्ट एस शंकर कर रहे हैं जिसमें आपको कमल हसन के साथ काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, सिद्धार्थ और गुलशन ग्रोवर भी देखने को मिलेंगे। 250 करोड़ के बड़े बजट वाली इस फिल्म को आप 11 अप्रैल को थिएटर्स में देख पाएंगे। नंबर 9 BMCM। साल 1998 में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की बड़े मियां छोटे मियां आई थी जिसने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया और 12 करोड़ के खर्च में बनने के बावजूद 35 करोड़ की कमाई करके ब्लॉकबस्टर बन गई। इनकी जोड़ी को कॉपी करने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं। फिल्म एक टाइप से सीक्वल तो नहीं है पर इंस्पायर मान सकते हैं। इन दोनों के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन यानी बर्दा और सोनाक्षी सिन्हा के साथ मनुषी चिल्लर नजर आएंगे। 250 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को इसी साल ईद पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 8 स्त्री 2। साल 2018 में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जैसे स्टार्स वाली एक हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री आती है। अमर कौशिक द्वारा डायरेक्टेड 14 करोड़ के छोटे से बजट वाली ये हॉरर कॉमेडी मूवी 180 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार देती है जिनका कहना है कि कम बजट में अच्छी फिल्में नहीं बन सकती। इसी फिल्म का सीक्वल 2024 में आ रहा है क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। फिल्म की कास्ट लगभग वही रहने वाली है, बस हमारे भेड़िया यानी वरुण धवन इसमें कैमियो कर सकते हैं। इनका ये कैमियो इस मूवी को सीधा जोड़ देगा ले जाके भेड़िया मूवी से। ऑफिशियली मूवी का बजट अनाउंस नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इसका बजट 50 करोड़ होने वाला है। मूवी 30 अगस्त को थिएटर्स में चढ़ जाएगी। नंबर 7 सिंघम अगेन। साल 2011 में सिंघम और साल 2014 में सिंघम रिटर्न के बाद अब साल 2024 में अजय देवगन सिंघम 3 या सिंघम अगेन ला रहे हैं। फिल्म इन दोनों मूवीज के आगे का सीक्वल है। रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म सितारों से भरी होगी जिसमें अजय देवगन के अलावा कोप यूनिवर्स के संग्राम भाले राव यानी रणवीर सिंह, वीर सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, श्रॉफ बाप बेटे और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म 15 अगस्त को पुष्पा बाऊ के साथ क्लैश करेगी। नंबर 6 पुष्पा 2 द रूल। ये फिल्म किसी पहचान की मोहताज नहीं है क्योंकि पुष्पा बाऊ आपको अच्छे से सिखा के गया था। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। पहले पार्ट में तो भाई हमारा लास्ट में कुछ टाइम के लिए अमर के सामने झुका था, पर असली कहानी तो अब देखने को मिलेगी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अलावा फहद फाजिल, साई पल्लवी और विजय सेतुपति आपको पुष्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। 350 करोड़ के पहाड़ जैसे बजट वाली ये फिल्म देश की आजादी वाले दिन यानी 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। नंबर 5 भूल भुलैया 3। अक्षय कुमार की भूल भुलैया को पता नहीं मैंने कितनी बार देखा है, आज भी कभी भी फ्री बैठा हूँ तो मैं ये मूवी देख ही लेता हूँ। पर जब इसका सीक्वल साल 2022 में कार्तिक आर्यन लेके आए थे तो हर किसी की तरह मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, मगर कार्तिक की जबरदस्त एक्टिंग और तब्बू का मंजुलिका बनना भाई साहब पूरे 2 घंटे तक मुझे सीट से बांध कर रखा। 70 करोड़ वाली इस मूवी ने 260 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके मेकर्स को मजबूर कर दिया अगला पार्ट लाने पर। अनीस बजमी द्वारा डायरेक्टेड इस सीक्वल में कार्तिक आर्यन का साथ निभाते आपको तृप्ति डिमरी यानी सेकंड भाभी, सारा अली खान और पहली मंजुलिका यानी विद्या बालन
नजर आएंगी। फिल्म दीपावली के पास यानी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। नंबर 4 कांतारा अ लेजेंड। 2022 में आई डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी की कांतारा। भाई साहब, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो बॉस तुम एक मास्टरपीस मिस करे बैठे हो। मूवी कितनी गजब है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि सिर्फ 14 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। इस मूवी का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल जिसमें कांतारा में दिखाई गई कहानी से पहले की कहानी देखने को मिलेगी। इस फिल्म का बजट इस बार 125 करोड़ रखा गया है और रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 वेलकम टू द जंगल। साल 2007 में वेलकम, जिसके बाद साल 2015 में आती है वेलकम बैक। अब साल 2024 में आ रही है वेलकम टू द जंगल, जो कि इसी सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसमें आपको भर भर के स्टार्स देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार, जैकलीन, दिशा पाटनी, अनिल कपूर, संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे कई स्टार्स। कॉमेडी बेस्ड इस मूवी का बजट 150 करोड़ बताया गया है और रिलीज डेट 20 दिसंबर निर्धारित हुई है। नंबर 2 हेरा फेरी 3। थ्रू दी सोशल मीडिया आपको जितने भी मेम्स देखने को मिलते हैं उसमें से 50% इसी मूवी के होंगे। हंसा हंसा के लोटपोट करने वाली इस सीरीज की शुरुआत साल 2000 में हुई, जिसमें साउथ इंडियन मूवी रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक हेरा फेरी बनाया गया, जिसे ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि साल 2006 में इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी लाया गया, जो कि पहली मूवी से भी बड़ी जीत साबित हुई। पर इसका अगला सीक्वल पूरे 18 साल बाद इसी साल यानी 2024 में आ रहा है, जिसमें पहले तो खबरें ऐसी थी कि अक्षय कुमार को साइन नहीं किया है, पर अब फाइनली ये पुरानी तिगड़ी और साथ में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर नजर आएंगे, जिसका बजट अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ है और रिलीज डेट दिसंबर के लास्ट वीक की सुनने में आई है। एंड फाइनली नंबर 1 इज आस्की 3। पहले आस्की और फिर श्रद्धा कपूर की आस्की 2 की सक्सेस के बाद मेकर्स लेकर आ रहे हैं आस्की 3। इस बार कहानी कार्तिक आर्यन और जेनिफर की होगी, जिनका साथ हमारी सेकंड भाभी यानी तृप्ति दिमरी निभाएंगी। अनुराग बसु द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ है, जिसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। फिल्म दिसंबर में कभी भी रिलीज की जा सकती है।